ये वीडियो खास अर्धवार्षिक परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चों के लिए है। अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो भी आप वीडियो में बने रहें, आपको फाइनल एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का टेंशन दूर कर देता हूँ, सब्जेक्टिव तो आज बताने ही वाला हूँ। वीडियो में आप ज़रूर बने रहिए। ऑब्जेक्टिव के लिए एक वीडियो अपलोड किया गया है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव वीडियो हैं तो आप उन सबको भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम आपका कल ही है, अगर आपका कल ही एग्ज़ाम है तो सिर्फ उस वीडियो को देख लीजिए जो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, और बाकी आप NCERT का जितना ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उसको देख लीजिए। अगर आपके पास भारतीय भवन है तो उसका ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। अगर आपके पास दोनों बुक नहीं है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, आप एक दूसरे को शेयर करके अपना अलग अलग बुक का अलग अलग ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव पर बहुत अच्छे से पकड़ बन जाएगा, और शायद ही कोई एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव का जो आपसे छूट जाए। तो ऑब्जेक्टिव का टेंशन इस तरह से आपको दूर कर लेना है। तो चलिए आप सब्जेक्टिव पर चलते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, इसके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं। अगर एग्ज़ाम में नहीं भी आती है तो सबसे पहले आप एक बात जान लीजिए कि अर्धवार्षिक परीक्षा जो होती है उसका मार्क्स किसी भी तरह से फाइनल एग्ज़ाम में नहीं जुड़ता है, तो आपको टेंशन तो बिल्कुल लेना ही नहीं है। लेकिन फिर भी नॉलेज जितना ज़्यादा रहेगा फाइनल एग्ज़ाम में आपके लिए उतना ही हेल्पफुल रहेगा, और आपकी ज़िंदगी में भी। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए नहीं भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फाइनल एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, आप क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विविधता में एकता का क्या अर्थ है? तो आपको बताना है विविधता में एकता का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर आपको बुक से ढूंढ के खुद ही लिख लेना है। इस तरह से क्या होगा, आपको पढ़ने में ज़्यादा मन लगेगा और आप पढ़ाई के प्रति एकाग्र होंगे। अगर आपको बना बनाया आंसर चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आई से क्या समझते हैं? आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन क्या होता है अगर आप नहीं समझते हैं तो आप स्क्रीन पर वीडियो चल रहा होगा उसको देख लीजिए। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लैंगिक विभेद से आप क्या समझते हैं, यानी लिंग के आधार पर जो विभेद होता है उससे आप क्या समझते हैं, उसको आपको डिफाइन करना है। उसके बाद क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, यानी बार्टर सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। और बिहार के पिछड़ेपन का कारण क्या है, ये लॉन्ग आंसर में आ सकता है। यानी कि अगला है सतत विकास क्या है, सतत विकास क्या है, तो ये भी आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रवाद क्या है, तो ये तो एकदम आना ही चाहिए आपको। अर्थव्यवस्था क्या है, ये भी क्योंकि आप अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था क्या होगा ये तो आपको पता होना ही चाहिए। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर मैंने खुद बना दिया है, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, और उसका आंसर के लिए एक एक शॉर्ट्स वीडियो अवेलेबल रहेगा तो उसको आप देख लीजिएगा। जैसे राष्ट्रवाद क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, इन सबसे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, 1 मिनट से भी छोटी वीडियो है, तो आप उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। रूस के क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें, यानी रूस में जो क्रांति हुआ था उसका क्या क्या प्रभाव हुआ था, इसको आपको लिख लेना है। इसका लॉन्ग आंसर में आने का भी पूरा चांस है, तो इसका आंसर आप थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। इस तरह से मैं चाहूँ तो बहुत सारे क्वेश्चन लिखा सकता हूँ, उसमें से कुछ क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आ ही जाएगी, लेकिन इस तरह से शॉर्टकट करने से कुछ होगा नहीं। अगर आपको फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको एक एक चैप्टर अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज करना होगा, और गेस और VVI जैसे चक्कर में नहीं पड़ना होगा। कोई गेस नहीं कर सकता। अगर आपको कोई टीचर बोलता है कि आप पूरा साल टाइम पास कीजिए और लास्ट में मेरे गेस के बलबूते एग्ज़ाम दीजिए, तो आप पास कर जाइएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हर कोई पास कर जाता है बिहार बोर्ड में। लेकिन अब आपको उतना नॉलेज नहीं रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं आएगा, तो इसलिए अच्छा होगा आप अभी से ही हर चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ें, अपना नोट्स बनाएं और एकाग्र स्टूडेंट की तरह अच्छे से पढ़ाई करें। हमारा चैनल आपको हर स्टेप पर मदद करेगा। आप भी चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ देख सकते हैं। आपको कहीं पे डाउट है या फिर कुछ पूछना है तो आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक पेज के थ्रू और टेलीग्राम चैनल के थ्रू। तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबका लिंक आपको मिल जाएगा।